हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 5। क्या है देखिए, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ बिगर ट्रायंगल। देखिए, यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और वो दोनों भी ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ओके? और दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया दिए गए हैं। एक है बिगर ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल का एरिया दिया गया है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसका एरिया दिया गया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसकी साइड भी दी गई है 12 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है फाइंड द करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ बिगर ट्रायंगल, ओके? तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करते हैं पहले लेट एरिया एरिया एंड साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल बी ए वन एंड एस वन रिस्पेक्टिवली एंड स्मॉलर एंड एरिया एंड साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल बी ए टू एंड एस टू रिस्पेक्टिवली, ओके? तो अब जो गिवन थिंग्स है हम लोग उन्हें राइट करते हैं। ए वन, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, ए वन कितना दिया है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। ए टू दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। एस वन इज अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, मतलब हमें एस वन फाइंड करनी है ग्रेटर ट्रायंगल की साइड, ओके? एंड एफ टू दी गई है 12 सेंटीमीटर, ओके? तो देखिए, अब यहां पे हम लोग कह सकते हैं बाय द थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या है वो थ्योरम? ए वन अपॉन ए टू, एरिया का रेशो, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो एस वन स्क्वायर अपॉन एस टू स्क्वायर। तो देखिए, ए वन कितना है 225, अपॉन ए टू कितना है 81, एस वन कितना है, ए वन अपॉन ए टू हो गया, एस वन हमें फाइंड करना है, तो एस वन स्क्वायर अपॉन एस टू स्क्वायर, एस टू कितना है 12, 12 का स्क्वायर हमें कौन फाइंड करना है, ओनली एस वन फाइंड करना है, हमारे पास स्क्वायर है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनके स्क्वायर रूट्स ले लेंगे। तो यहां पे राइट करते हैं taking square root of both sides। चलिए दोनों साइड के स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 225 का स्क्वायर रूट कितना है 15, अपॉन 81 का स्क्वायर रूट कितना है 9, एस वन स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना है एस वन, अपॉन 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा 12, ओके? हमें बस एस वन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज देखिए ऑलरेडी एस वन जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो न्यूमरेटर पे है, तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इस 12 को सिर्फ यहाँ पे लेके जाएंगे। तो 12 यहाँ पे डिवाइडेड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाइड होगा, 15 इंटू 12 अपॉन 9
इज इक्वल टू एस वन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। तो फाइव इंटू फोर यहाँ पे बचा क्या, फाइव इंटू फोर इज इक्वल टू एस वन, फाइव फोर जा ट्वेंटी इज इक्वल टू एस वन। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ बिगर ट्रीएंगल इज कितना, 20 सेंटीमीटर। तो एट द एंड हम लोग राइट करेंगे, आंसर को हमेशा बॉक्स करना है, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रीएंगल इज 20 सेंटीमीटर। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 6। देखिए क्या है, जो कि है सेकेंड लास्ट सम ऑफ दिस प्रैक्टिस से। ट्रीएंगल एबीसी एंड ट्रीएंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रीएंगल्स। इफ एरिया ऑफ ट्रीएंगल एबीसी इज टू, एरिया ऑफ ट्रीएंगल डीईएफ इज इक्वल टू 1:2। दोनों ट्रीएंगल के एरिया का रेशियो कितना है, 1:2। एंड एबी इज इक्वल टू 4, फाइंड डीई। एबी कितना है, 4 है, तो हमें डीई फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे एरिया के ट्रीएंगल का रेशियो दिया गया है, साइड्स भी दी गई है, पर यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रीएंगल्स नहीं यूज कर सकते। क्यों? बिकॉज उसमें यह होता है कि दोनों ट्रीएंगल सिमिलर होने चाहिए, और इस क्वेश्चन में ये कहीं पे भी नहीं दिया है कि एबीसी एंड डीईएफ ये सिमिलर ट्रीएंगल्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये ट्रीएंगल्स ये दोनों भी सिमिलर हैं। तो देखिए अब ये सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। हमें दिया गया है ट्रीएंगल एबीसी एंड ट्रीएंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रीएंगल। और अगर इक्विलैटरल ट्रीएंगल्स है तो हम लोग ये जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रीएंगल्स के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं, राइट? तो मतलब यहां पे क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट? इनके सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो अब देखिए यहां पे हम लोग राइट करेंगे, इन अ ट्रीएंगल एबीसी एंड ट्रीएंगल डीईएफ, एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल डी, राइट? करस्पॉन्डिंग एंगल ए के साथ करस्पॉन्डिंग बनेगा डी, बी के साथ करस्पॉन्डिंग बनेगा ई, एंड सी के साथ करस्पॉन्डिंग बनेगा एफ। तो एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल एफ। चाहे तो आप यहां पे वन राइट कीजिए एंड इन्हें रीजन दीजिए फ्रॉम वन। तो इसका मतलब ट्रीएंगल एबीसी सिमिलर ट्रीएंगल डीईएफ, ये दोनों भी ट्रीएंगल सिमिलर हो गए। और अब ये सिमिलर हो गए तो देखिए सिमिलर ट्रीएंगल के एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, एज वी ऑल नो। तो देखिए यहां पे हम लोग राइट करेंगे बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रीएंगल। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रीएंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रीएंगल PQR इज इक्वल टू एबी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर। ये रहा हमारा
सेकेंड अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, एबीसी इज टू डीएफ कितना दिया गया है, 1:2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, बट एरिया ऑफ ट्रिएंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रिएंगल डीईएफ इज इक्वल टू 1:2। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रिएंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रिएंगल डीईएफ इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो एबीसी अपॉन पीक्यूआर की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे डीईएफ आएगा, सॉरी डीईएफ, तो डीईएफ एबीसी अपॉन डीईएफ कितना है, 1/2। तो ये हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो देखिए ये भी क्या है, गिवन। तो एबीसी अपॉन डीएफ हमें मिले, हमें मिला है 1/2, ऑलरेडी वो गिवन है, इज इक्वल टू एबी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग एबी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, एबी की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर, ओके। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेने होंगे, बिकॉज हमें सिर्फ डीई फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ओके, स्क्वायर रूट। तो देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2, 4, 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4, एंड डीई स्क्वायर का स्क्वायर रूट डीई, ले लिए स्क्वायर रूट। आपको सिर्फ डीई की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो कहाँ पे है, डिनोमिनेटर पे, तो उसे न्यूमरेटर पे लाना पड़ेगा। जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो न्यूमरेटर पे लेके आना पड़ेगा, और इसलिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 1 into DE, DE is equal to 4 into root 2, 4 into root 2, तो DE is equal to क्या होगा, 4 root 2। अगर एक नंबर रूट के अंदर हो और दूसरा रूट के बाहर हो तो उनका मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, तो ये एज इट इज रहेंगे। तो हमें बोला गया था फाइंड DE, तो DE is equal to कितना मिला है, 4 root 2। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 7, जो कि है लास्ट सम ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, और इसी के साथ हम लोग इस लेसन के सारे प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर जाएंगे। तो देखिए क्या है, इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल डीई, देखिए पी क्यू जो है वो डीई के साथ पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्रिएंगल पी क्यू ई इज इक्वल टू 20 यूनिट स्क्वायर, पी क्यू एफ होना चाहिए, सॉरी हाँ पी क्यू एफ। तो देखिए ये जो छोटा ट्रिएंगल है पी क्यू एफ, इसका एरिया 20 यूनिट स्क्वायर है। बुक में ओनली 20 यूनिट दिया है, पर यूनिट स्क्वायर होना चाहिए। पी एफ इज इक्वल टू 2 dp। पी एफ जो है वो एक नहीं, मतलब अगर 2 dp रहेंगे तो अकेला 1 pf मिल जाएगा, ऐसा इसका रेशो है। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE, तो हमें DPQE यहाँ पे जो ये क्वाड्रिलैटरल है इसका एरिया फाइंड करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, नीचे जो एक्टिविटी दी है उसे कंप्लीट करके। अब देखिए इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल ऑप्शन है। जो बड़ा ट्रायंगल है FDE, इस FDE ट्रायंगल में से अगर हम लोग FPQ ट्रायंगल माइनस करें तो हमें ये ऑटोमेटिक क्वाड्रिलैटरल मिल जाएगा, राइट। पर इसके पहले हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा, बिकॉज जब तक ये ट्रायंगल्स हम लोग सिमिलर नहीं प्रूव करते तब तक ना तो हम लोग इनके एरिया का रेशोज फाइंड कर सकते हैं, ना ही इनके साइड्स के रेशोज, या फिर कोई भी थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सो लेट्स सी, जो दिया है उसे राइट कर लिया पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS इज इक्वल टू 20 यूनिट स्क्वायर,
PF इज इक्वल टू 2 dP, ये दिया हुआ है। देन उन्होंने बोला है कि लेट अस अज्यूम dP इज इक्वल टू x, इस dP को क्या कंसिडर करो, x। अगर dP x है तो PF क्या होगा, dP की प्लेस पे अगर x पुट करोगे तो क्या होगा, 2x, तो PF बन जाएगा 2x। ओके, अब DF इज इक्वल टू, देखिए DF कैसे बनता है, DF बनता है dP प्लस PF से, राइट। तो ये रहा dP प्लस ये रहा PF। अब dP, dP की वैल्यू कितनी है x, PF की वैल्यू कितनी है 2x, तो ये कितना मिला, तो DF कितना मिल रहा है हमें 3x। मैं यहां पे राइट करती हूं, होल DF मिला है 3x, इज इट क्लियर। आफ्टर दैट देखिए, अब इन दोनों ट्रीएंगल को हमें सिमिलर शो करना होगा, इन ए ट्रीएंगल एफ डी ई एंड एफ पी क्यू, देखिए एफ डी ई एंड एफ पी क्यू, इन दोनों में एंगल एफ डी ई कॉन्ग्रेंट, देखिए एफ डी ई के साथ कौन सा एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, तो करस्पॉन्डिंग बोला है, तो एफ डी ई के साथ कॉन्ग्रेंट होगा एफ पी क्यू, एंगल एफ पी क्यू, यहाँ पे दिया था करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एफ डी ई का करस्पॉन्डिंग एंगल है एफ पी क्यू, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स ये आप लोग जानते हो। देन एफ ई डी, देखिए एफ ई डी, एफ ई डी के साथ करस्पॉन्डिंग एफ क्यू पी, तो ये रहा एंगल एफ क्यू पी। ओके, जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे वो हमने राइट कर लिए, तो ये दोनों एंगल्स, दो एंगल्स कर, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट मिल गए, इसलिए एफ डी ई एंड एफ पी क्यू ये ए ए टेस्ट के अकॉर्डिंग सिमिलर बन गए। ओके, अब देखिए एफ डी ई अपॉन एफ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रीएंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रीएंगल एफ पी क्यू, किसी भी दो सिमिलर ट्रीएंगल के एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर्स के रेशो के इक्वल होता है। तो देखिए अब इनकी तो बहुत सारी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड होंगी बिकॉज ट्रायंगल्स तो सिमिलर है, कौन सी कंसिडर करनी है, तो यहाँ पे दिया है 3x स्क्वायर, मतलब 3x किसकी, 3x कौन है, df है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा df स्क्वायर। देन 2x, 2x किसकी लेंथ है, 2x है pf की, तो यहाँ पे आ जाएगा pf स्क्वायर। ओके, तो देखिए हमें क्या मिला है कि fde, एरिया ऑफ ट्रायंगल fde अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, पूरा सॉल्व करके मिला है 9/4। तो हमें सिर्फ एफ डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए एफ पी क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, पी क्यू एफ मतलब ही एफ पी क्यू है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, एफ डी ई। अगर एफ डी ई मिल गया तो उसमें से हम लोग एफ पी क्यू माइनस करेंगे, क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। तो देखिए एफ डी ई फाइंड करने के लिए एफ डी ई के साथ जो एफ टी एफ पी क्यू डिवाइडेड था वो हमने इस 9/4 के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया, इसलिए यहाँ पे मिला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4 इंटू ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। एफ पी क्यू कितना दिया है, 20 यूनिट स्क्वायर, तो 9/4 इज इक्वल टू कितना होगा, 20। ओके, इसे सॉल्व करते हैं, 4 × 4, 4 × 5 = 20, 9 × 5 कितना होगा, 45, तो यहां पे भी आएगा 45 यूनिट स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल के एरिया मिल गए, बस इस बिगर ट्रायंगल में से इस स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे मिला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। FDE कितना मिला है, 45, FPQ कितना दिया था, 20, तो 45 माइनस 20 कितना मिलेगा, 25, 25 एंड यहां पे भी आएगा यूनिट स्क्वायर। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम, आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।